All right. A very good evening, everyone. How are you all? Hi, Nafisa. Hi, Anirudh. Hi, Arya, Anirudh, Dr. Nikhil. Hi, Anita. All right. So many students in the class. Very happy to see you all. All right. So, myself, Tina Chopra, I'll be your new zoology teacher. And so, सब रेडी होके आए हैं क्विज के लिए. सो जल्दी से एक काम कर लीजिए, क्रोम की विंडो में minty.com ओपन कीजिए एंड यूज द कोड 253711. हाय एवरीवन, हाय राजेंद्र, हाय के, रमेश, शाहीन, सुमा, निवेदिता, प्रियांशी, अनिरुद्ध, प्रणव, आर्या, डॉक्टर रमन, अनीता, रमेश. ऑल राइट, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज मिंटी क्विज. जल्दी से दूसरी विंडो में minty.com ओपन कर लीजिए. इफ यू डोंट हैव अ सेकेंड डिवाइस तो आप इसी अपने मोबाइल में minty.com ओपन कीजिए एंड यूज द कोड 253711 टू एंटर. जल्दी से मिलते हैं minty.com में. हाय राहुल, हाय अदिति, हाय अनीता, गरिमा, सुमा. ऑल राइट, हाय बप्पी नस्कर, हाय. ऑल राइट, हेलो. जल्दी से minty.com में चलते हैं. सबने ओपन कर लिया? प्लीज एंटर द रूम विद 253711 वाला कोड. जल्दी से, लेट्स. यस वैष्णवी, ओके, यू आर द टॉपर ऑफ द यस्टरडेज क्विज. आज देखते हैं वैष्णवी को कौन बीट करेगा, कौन आज का नया टॉपर बनेगा. हाय खुशबू, अनामिका, भावनी, सिद्दीकी. ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन. एंड जल्दी से बता दो, हैव यू एंटर्ड? अदिति चौधरी, वेयर आर यू फ्रॉम? मैम, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम पुटिंग अप इन दिल्ली. ऑल राइट, बट जल्दी से बताइए, जल्दी से ओपन कीजिए विंडो minty.com. ऑल राइट, एंड प्लीज यूज द कोड 253711. यूट्यूब को बंद कर दीजिए और क्रोम में जाके minty.com ओपन कीजिए एंड यूज द कोड 253711. डन? यस एवरीबॉडी, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड वील स्टार्ट विद द मिंटी क्विज वेरी सून. लेट्स सी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत सारे पोकेमॉन्स वगैरह इकट्ठे हो चुके हैं. सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू. एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लेट्स वेट. तब तक सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं. वी वॉन्ट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास सो दैट वी गेट वंडरफुल कॉम्पिटिशन हियर. जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. कॉल देम इन. ऑल राइट, हाय चेतु, अदिति, जमीलुद्दीन. आई वॉन्ट मोर कार्टून्स ऑन द फेस, आई मीन ऑन द पेज. जल्दी से, आज एनिमल किंगडम पढ़ के आया है कोई? आना चाहिए, राइट? आज एनिमल किंगडम की हम मेगा मिंटी क्विज कंडक्ट कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ फेमिलियर यू आर विद द बायोडाइवर्सिटी. गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन करते हैं. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. और ये जो इतने सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, प्लीज लाइक द चैनल टू. ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अब. शैल वी स्टार्ट विद द क्विज? हाय जिष्णु, इफ यू आर न्यू हियर, यू आर सो वेलकम हियर.
हाय सुरेश पल्लवी। ऑल राइट, आई थिंक विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी शुड गो टू द क्विज नाउ। चलिए, और प्लीज आज कोई भी चैट में आंसर्स नहीं देगा, सब मैदान में उतरेंगे और फिर आंसर्स देंगे, ठीक है? हाँ जी, कोई भी, लेट्स टेक एन ओथ, आज कोई कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देने वाला। वील प्ले फेयर एंड वील सी आर एक्चुअल रिजल्ट, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे तो आपका नाम लेटर बोर्ड पे आएगा ही नहीं। सो अगर आप सारे आंसर सही दे भी रहे हैं तब भी लाइक यू कांट बी कंसिडर्ड अ टॉपर, सो दैट्स अ रूल। सो लेट्स फॉलो द रूल्स इंस्ट्रक्शंस एंड जल्दी से मिलते हैं minty.com पे। ये इतने सारे जो कमेंट बॉक्स में हेलो हाय कर रहे हैं, हैव दे एंटर्ड minty.com? जल्दी से यस बोल दीजिए। यस दीप्ति विल स्टार्ट वेरी सून, जल्दी से यस बोल दीजिए कि दे हैव एंटर्ड द minty.com। अनामिका, आई विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। आई जस्ट वॉन्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द minty.com वाला रूम, बिकॉज नहीं तो फिर फेयर नहीं खेला जाता, एंड आई वॉन्ट एवरी वन देयर। यस आई एम स्टार्टिंग 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 एंड आई वॉन्ट अ न्यू टॉपर हियर। चलिए लेट्स स्टार्ट हियर, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इन फाइलम मोलस्का माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, लेट्स सी हू आंसर्स द क्वेश्चन। ऑस्पिरिडियम, डेंटल प्लेट, रेडुला और मैंडिबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मोलस्का फाइलम का कि उसके माउथ के अंदर रास्पिंग ऑर्गन कौन सा होता है। इट्स गिवन इन एनसीईआरटी। गाइज प्लीज प्ले प्लेट फेयर, डू नॉट आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड टाइम इज अप। सो द आंसर इज रेडुला। लेट्स सी हाउ मेनी आंसर्ड इट राइट, 97। एक्सलेंट। सो रास्पिंग ऑर्गन है। अगर कभी भी किसी स्नेल को हम डाइसेक्ट करके देखें ना, तो उसमें उसके अंदर एक छोटा सा मटर के दाने जैसा पी साइज का रेड कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, एंड इफ यू कट इट विद द ब्लेड और उसके ऊपर तुम हाथ फेरो ना, तो तुम्हारा हाथ भी कट सकता है। इतना फाइल लाइक मीन्स ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मोलस्का के माउथ में। उसके ऊपर से जब फूड पास करेगा तो वो कट होगा। इट हेल्प्स इन बाइटिंग, सो इट्स अ रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का। चलिए देखते हैं हुज गॉट इट राइट। चैतू, रोजलिना, प्रिंस, जिष्णु, सोना, अलीशा, महक, डॉक्टर निकिता, शिखा एंड डॉक्टर नितिन। फास्टेस्ट वॉज चैतू। कूल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर विद रिगार्ड टू द इंसेक्ट्स? यस, सो एपिस हनी बी, पेरीप्लेनेटा कॉकरोच, लोकस्टा लैक इंसेक्ट एंड बॉम्बेक्स सिल्क वर्म। सो क्या सही नहीं है? हाँ जी, लेट्स सी हु आंसर्स इट फर्स्ट एंड हाउ मेनी डू यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू नो द करेक्ट नेम्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। 3, 2 एंड 1 एंड टाइम इज अप। 71 ओनली, बट ओके, 71 ऑफ यू न्यू कि लॉकस्टा लार्क इंसेक्ट नहीं होता। लार्क इंसेक्ट इज लैसिफर, ठीक है? लॉकस्टा इज लॉकस्ट। पेरीप्लेनेटा कॉकरोच है, एपिस हनी बी है एंड बॉम्बेक्स मोरी इज द सिल्क वर्म। देखते हैं सो हाउ द लेटर बोर्ड हैज चेंज्ड। न्यू नेम्स, न्यू नेम्स। यस आई कैन सी सम न्यू नेम्स, बट आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन। पल्लवी कदम, 24। ऑल राइट, नयन द फास्टेस्ट, गुड। महक, ओमकार, डे लाइट, पूजा, एम्स, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर निकिता, नीमो, आई लाइक दैट नेम, एंड यथनिका। ऑल राइट गाइज, प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट आंसर इन द चैट बॉक्स। मिंटी इज लैगिंग, आप रिफ्रेश कर लीजिए जल्दी से एंड लेट्स ज्वाइन द मिंटी रूम एंड
कोई बात नहीं, अगर आपका रह भी गया है दो क्वेश्चंस, जल्दी से menti.com ओपन कीजिए और ये कोड यूज करते हुए एंटर कीजिए रूम को 253711। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। एकाइनोडर्म्स आर क्लोजर टू कॉर्डेट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी, बिकॉज ऑफ एंटेरोसिलोम, ड्यूटेरोस्टोम्स या बॉडी प्लान, मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन या फिर ऑल ऑफ दीज। लेट्स सी हु आंसर्स इट राइट। अकाइनोडर्म्स इज वेरी क्लोज फाइलम टू द कॉर्डेट्स, क्यों क्लोजेस्ट माना जाता है इसको? एंटेरोसिलोम है इसलिए, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है, या ऑल ऑफ दीज की वजह से? एंड 74 कुड आंसर इट राइट, सो लेट्स सी हु हैज आंसर्ड इट करेक्टली। ऑल दीज रीजंस आर द रीजंस व्हाई अकाइनोडर्म्स आर कंसिडर्ड क्लोजर टू द कॉर्डेट्स। उनके अंदर एंटेरोसिलोम है, उनके अंदर ड्यूटेरोस्टोम बॉडी प्लान है। ड्यूटेरोस्टोम होता है जिसमें कि जो ब्लास्टोपोर है दैट चेंजेस इनटू इनस फर्स्ट, एंड मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है, हम सब का मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन है, एंड द सेम इज ट्रू फॉर अकाइनोडर्म्स एज वेल। चलिए लेट्स सी हु इज लीडिंग द शो, एंड द लीडिंग वन इज पल्लवी कदम, नयन इज द फास्टेस्ट, पूजा, ट्रैवल, प्रसंथी, नीमो, नीमो यस यू आर रेजिंग हियर, एंड ओमकार, डॉक्टर नितिन, नीट एस्पायरेंट इज बैक, एंड महेश झा। वेर आर अदर एस्पायरेंट्स? ज्वाइन द रूम, ज्वाइन द रूम एवरीबडी, प्लीज डोंट आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा? यस, गुड क्वेश्चन। ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस, एसीडिया या मिग्जीन? यस, सो हाय अमन तयाल, क्विकली ज्वाइन द मिंटी रूम। विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा? यस पवन, हाउ टू ज्वाइन? प्लीज ओपन अनदर, आप यूट्यूब को बंद कर दीजिए एंड जाइए क्रोम में, वहां पे menti.com ओपन कीजिए एंड यूज दिस कोड। अगर आपका दूसरा कोई डिवाइस है तो यूट्यूब ऑन रखिए साथ साथ, अदरवाइज ज्वाइन दिस एंड सी। 63 आंसर्ड इट करेक्टली, सो एसीडिया, एसीडिया इज अ यूरोकॉर्डेट। देखो नोटोकॉर्ड ओनली इन द लार्वल टेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, एंड एसीडिया इज वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आपको पहले पता होनी चाहिए वो कौन से फाइलम को बिलोंग करती हैं। लेट्स सी द लिड अबाउट हियर। एंड पल्लवी अगेन, ओमकार, नेमो, वेरी गुड नीमू, प्रशांति, डॉक्टर नितिन, आदर्श, निकिता, नीट एस्पायरेंट इज बैक, पूजा एंड सिम्बा, आई लाइक इंटरेस्टिंग नेम्स, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस जमीलुद्दीन इज राइट, दे कैन यूज स्प्लिट डिस्प्ले, यू कैन यूज स्प्लिट डिस्प्ले। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, मिंटी ओपन कर लीजिए, एंड बेटर इफ यू हैव टू डिवाइसेस हियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अकाइनोडर्माटा। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ ईटर, इट्स नॉट ईटर, इट्स वाटर वैस्कुलर सिस्टम। सेकेंड, एस्टीरियस शोज डायरेक्ट डेवलपमेंट। थर्ड, सेक्सेस आर सेपरेट। एंड फोर्थ, अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एबसेंट एंड टाइम इज अप। लेट्स सी विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज एस्टीरियस शोज डायरेक्ट डेवलपमेंट। एस्टीरियस इज द स्टार फिश, एंड अकाइनोडर्म्स में वी हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें कि आपका ब्रेंक्यूल ब्रेंक्यूस यस इट हैज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वेयर देर इज लार्वा प्रेजेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज। ऑल राइट, यस स्टार फिश,
स्टारफिश में होती है इनडायरेक्ट, बाकी सारी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. लेट्स सी द लीडर बोर्ड हियर. पल्लवी, हुज लीडिंग, हुज लीडिंग? ओह इट्स चेंज नाउ. पल्लवी हैव ड्रॉप्ड एंड पूजा लीडिंग द शो नाउ. पूजा विद 45. ऑल राइट. सिम्बा इज देन नीट एस्पायरेंट इज बैक. दीपू and Sophia and Pallavi, Omkar, Neemu, Prasanthi and Dr. Nitin. Let's move on to the next question. Hi Ashish, if you're late, please quickly join the minty.com. Among these organisms, Phyla, Octopus, Sepia, Loligo, Aplysia, Ketoplura, how many of them have closed circulatory system? Yes, let's see. Kis kis ko examples yaad hai? Kis ko yaad hai? एक्सेप्शन केसेस, एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि ये तो सारे मोलस्का की एग्जांपल्स दे रखी हैं, लेकिन किस किस मोलस्का के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. एंड द टाइम इज ऑलमोस्ट अप. ओके लेट्स सी द करेक्ट आंसर इज 3. सो गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा विल हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. यस Dhyanshi, please join minty.com. 11th ka kaun sa start hone wala hai? Prashant, you will be informed about the syllabus, the schedule. Lekin yahan pe hum conduct kar rahe hain minty kyunki ye animal kingdom ka chapter ho rakha hai. So बहुत सारे आपके मिंटी क्विज हुए हैं एनिमल किंगडम को लेकर. आज थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है क्विज का, क्वेश्चंस का. सो दैट यस चलते हैं लीडर बोर्ड पे. हु इज लीडिंग नाउ? सो ओके पल्लवी अगेन ऑन द टॉप. डॉक्टर नितिन, पूजा, सिम्बा, अनिरुद्ध, नीट एस्पायरेंट बैक, दीपू, सोफिया एंड होम्योथर्म एंड महक. सो होम्योथर्म, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड. Aristotle's lantern is a characteristic feature of Echinus. It is. Let's see who knows this. अगर आपने डिटेल में स्टडी की है, only then you will be able to answer. All right, Abhinav, but मेरा नाम तनु नहीं है, I'm Tina. First of all, ठीक है, मैं थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ, but आप जल्दी से answers कीजिए. आप धीरे नहीं हो सकते, आप जल्दी से minty.com ज्वाइन कीजिए. एंटर द रूम एंड लेट्स सी. एरिस्टोटल्स लैंटर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एकाइनस. यस एंड इट इज अ बाइटिंग एंड च्यूइंग एपरेटस. इनके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होगा. एरिस्टोटल द साइंटिस्ट, ठीक है, एरिस्टोटल ने इसको डिस्कवर किया था और इसकी शेप जो है वो लालटेन जैसी होती है, लैंटर्न जैसी होती है देखने में. एंड दैट इज वाई वी कॉल इट biting and sorry and that is why we call it Aristotle's lantern. It helps in biting the food. Chale, let's see the leaderboard here. Pallavi, Dr. Nitin, Sophia. Okay, let's see how does it change. Who's leading now? All right, it changes once again. Sophia leading, Mehak, Mahesh, Pallavi, Prasanthi, Hia, Adarsh, Ames, Dr. Evil and Dr. Nitin. यस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको देख रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू आंसर. बट सी, अगर आप चैट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे तो आपका नाम यहाँ नहीं आ पाएगा. सो प्लीज 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 minty.com को ज्वाइन कीजिए जल्दी से. थैंक यू अभिनव, बट आई वॉन्ट टू सी योर नेम ऑन द लीडर बोर्ड हियर. सो प्लीज जल्दी से minty.com join kijiye and use the code 25, 37 and 11. Next question here. Anita Gupta, NCRT से हैं बहुत सारे questions, NCRT से हैं, but as I said आज हमने level थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है, और हम इनके बारे और ज्यादा सीखेंगे अब. So which sequence reflects the life cycle of Obelia? Okay. सो दे आर टॉकिंग अबाउट सी फर. तो इनके अंदर हमें पता है सीलेंट्रेट्स के अंदर होनी है मेटाजेनेसिस.
तो कौन कौन सी स्टेजेस किस तरह से आएंगी, लेट्स सी. सो विच सीक्वेंस रिफ्लेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ अबिलिया? 3, 2, and 1. एंड द आंसर इज पॉलिप, मेडूसा एंड प्लेनुला. सो दे शो मेटाजेनेसिस. तो पहले पॉलिप, पॉलिप से बनेगा मेडूसा, और मेडूसा का जो लार्वल फॉर्म है इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनेगा, दैट विल बी प्लेन्युला. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू न्यू इट. सो द लेडर बोर्ड इज गोइंग टू चेंज. आई वॉन्ट न्यू नेम्स ऑन द लेडर बोर्ड. सो महेश झा, एम सिम्बा, सोफिया, दीपू, जिष्णु, आयुष, महक, पल्लवी, प्रसंति. अभिनव, लेवल ये थोड़ा सा ज़्यादा है, आई नो दिस एब्सोल्यूटली, बट हमें भी अपना लेवल बढ़ाना होगा. सो यस, एनसीईआरटी से हो गया, एनसीईआरटी से हो गया, तो अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं इन चीज़ों का, बिकॉज वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सीकम, कोलन एंड कॉजिंग एनल इचिंग इज. हाँ जी. सो ऑर्गेनिजम्स जो कि सीकम और कोलन में एग्जिस्ट करेंगे और एनल इचिंग कॉज करते हैं छोटे बच्चों में एक्चुअली, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एनकाइलोस्टोमा है, ड्रैकनकुलस है, एंटेरोबियस है, या फिर ट्रैक्यूरियस है? एंटेरोबियस का नाम ऑक्ज्यूरियस भी होता है. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर इट. हाय फ्यूचर डॉक्टर, हाय अमन शर्मा, डॉक्टर निकिता, आशीष, प्लीज ज्वाइन द मिंटी डॉट कॉम. एंड यस, सो द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज एनल इचिंग इज एंट्रोबियस और ऑक्ज्यूरियस. इसको पिन वर्म कहते हैं, इट कॉजेज पिनिंग लाइक सेंसेशन इन द एनल रीजन. छोटे बच्चों में होती है जनरली ये डिजीज, ये इन्फेक्शन, बट ये स्प्रेड हो सकती है इवन टू द एल्डर्स थ्रू द बेड शीट्स, बाई यूजिंग कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स, यूज क्लॉथ्स. तो ये बड़ों को भी इन्फेक्ट कर सकती है. चलिए, द लेटर बोर्ड हियर इज चेंजिंग, आई एम श्योर. लेट्स सी हू इज लीडिंग द शो. एम्स, डॉक्टर शिवानी, यस, सिम्बा, आई, देन महेश झा, डॉक्टर नितिन, अनिरुद्ध, सोफिया, दीपू, जिष्णु, आयुष, नीट एस्पायरेंट इज बैक. वेर आर द प्रीवियस टॉपर्स? कम बैक. यस, एनकाइलोस्टोमा इज हुक वर्म, बट दैट डजेंट कॉज दिस सेंसेशन, पिनिंग सेंसेशन नहीं करता है. हाय ऋतुजा, हाय शिवम, जल्दी से आ जाइए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांसमेंट ऑफ एनालिड्स ओवर नीमाटोड? सो आपको इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांसमेंट ऑफ एनालिड्स ओवर नीमाटोड? Is it closed circulatory system, tube within the tube body plan, true metameric segmentation, या true coelomates? Yes, जल्दी से बता दीजिए. And time is up. Let's see how many answered it correctly. Only 37, good. Annelids, nematode, round worm से ज्यादा advanced क्यों हैं? क्योंकि round worm, annelids जो है, sorry, क्यों advanced हैं? क्योंकि उनके अंदर closed circulatory system है. ट्यूब ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ट्रू सीलोमेट्स हैं, नॉट बिकॉज कि उनके अंदर ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान है. ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान तो हमारे अंदर भी है. सो लेकिन जो फीचर्स उनको सेपरेट आउट करते हैं, डाटा रेस्ट ऑफ द थ्री आपको पूछा था विच इज नॉट. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन सच की वर्ड्स ऑल्सो. हाँ जी, लेट्स सी द लेटर बोर्ड हियर. सिम्बा, एम्स, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर नितिन, सोफिया, दीपू, आयुष, महक, महेश झा, नीट एस्पायरेंट इज बैक एंड प्रसंति. ऑल राइट, लेट्स सी नेक्स्ट. सो दोज हु आर जॉइनिंग द क्विज लेट, क्विकली एंटर मिंटी डॉट कॉम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेस्टिनल पैरासाइट? राउंड वर्म, विप वर्म, फिलेरियल वर्म या हुक वर्म? वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब इससे ज्यादा सिंपल मैं नहीं दे सकती थी.
Thank you, Harshal. So guys, please enter the minty.com and use the code 253711. I want to see your names on the board. Yes. All right, time is up. And the answer is, which is not an intestinal parasite, answer is filarial worm. Filarial worm which causes elephantiasis, जो आपके क्यूलेक्स मस्कीटो से हमारे अंदर ट्रांसमिट होता है और कॉज करता है एलिफेंटियासिस, हाथी जैसा पैर हो जाता है, फिलारियासिस भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। और ये रहता है आपकी लिम्फ वेसल्स के अंदर, ना कि आपकी ब्लड वेसल्स, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर या ब्लड वेसल्स में, ये रहेगा लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक करेगा, रिजल्टिंग इन सिवियर फॉर्म ऑफ इडीमा, मीन्स स्वेलिंग। चलिए, लेट्स सी द लेटर अबाउट चेंजेस हियर। Yes, elephantiasis, Wuchereria bancrofti. Yes, they are talking about Wuchereria bancrofti. All right. And the leaderboard is showing Simba on top. Cool, Simba. And Ames, Dr. Shivani, Dr. Nitin, Ayush Kumar, Mehak, Prasanthi, Omkar, Sophia, Deepu and Elsa. And let's go to the next question. जल्दी से minty.com पे पहुंचिए। आई एम वेटिंग फॉर यू हियर। आई वॉन्ट टू सी योर नेम्स ऑन द लेटर बोर्ड। रॉन्ग हो गया। ऑल राइट, टेपवर्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट थ्रू। हाँ जी, टेपवर्म एक पैरासाइट है, हिंट दे रही हूँ। पैरासाइट्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? बीइंग अ पैरासाइट, इट विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू स्कॉलेक्स, रोस्टेलम, सकर्स या बॉडी वॉल। हाँ जी, जल्दी से, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पैरासाइट्स, इनका माउथ तो होता नहीं है, तो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे होस्ट से फूड को? एंड द आंसर वुड बी, टाइम इज अप, आंसर इज थ्रू द बॉडी वॉल्स, फ्रॉम द सकर्स। नो, द आंसर इज बॉडी वॉल्स। जिन्होंने बॉडी वॉल बताया है, दैट इज राइट। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर, बट दोज हु हैव रिटन बॉडी वॉल इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लेटर बोर्ड यहां पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ऑल राइट, ऑल राइट। सो फ्लेम सेल्स, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है। फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद, क्या काम करते हैं? ठीक है, आई कैन सी सो मेनी नेम्स, सो मेनी प्लेयर्स आउट इन द चैट बॉक्स, बट आई एम नॉट एबल टू गेट देयर नेम्स ऑन द लेटर बोर्ड। आर यू ऑल गाइज ऑन minty.com? यस, प्लीज स्टॉप आंसरिंग द कॉमेंट बॉक्स, डोंट डू दैट, डोंट रूइन द प्ले। नो, लेट्स प्ले इट फेयर। Yes, flame cells are the characteristic feature of platyhelminths and it is involved in excretion and osmoregulation in liver fluke. Liver fluke is one example of platyhelminths. Respiration mein involved nahi hai. Roundworms ke andar excretion karwata hai rennet cell and digestion in corals bhi ye nahi karwayega. Chaliye, next aate hain hum leaderboard pe, dekhte hain who's leading the show. Himanshu Telang, you are Nemo. Okay. Hi Manshu, you're doing good. And Simba leading the show again. Cool. Prasanthi, Omkar, Ames, Dr. Shivani, Dr. Nitin, Mehak, Mahesh Jha, Deepu, Ayush and Pallavi Kadam. Pallavi, I want your name on the top again. Chaliye, next question here. Which of the following parasite is transmitted through contaminated food? हाँ जी, इनमें से एक तो अभी हम बात कर चुके हैं, तो वो तो रूल आउट हो ही जाएगा। लेट्स सी किस किस को आता है। विचरीरिया, लोआ लोआ, एस्कारिस और ड्रैकनकुलस। सो कौन सा पैरासाइट है जो गंदा खाना पीने से, गंदे खाने पीने से आपके अंदर ट्रांसमिट होता है? सो द आंसर इज, लेट्स, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है। यस डॉक्टर निकिता, इट्स वेरी इजी पीजी। एंड Spectac, I am Simba. Okay. Hi Simba. You're doing good?
हाँ जी, सो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो ट्रांसमिट होगा दैट इज एस्कैरिस, राइट? वो चरेरिया आपने भी पढ़ा, मस्कीटो क्यूलेक्स से होता है, लोआ लोआ कंटामिनेशन से पास ऑन होगा बट नॉट फॉर थ्रू फूड, पर लोआ लोआ आईज में ट्रांसमिट होता है, ड्रैकनक्यूलस ब्लड वेसल्स में रहेगा. एंड लेट्स सी द लेटर बोर्ड हियर. लेट्स सी व्हाट इज द चेंज. बहुत थोड़ा सा चेंज आया है. सिम्बा अगेन, प्रसंती, ओमकार, एम्स, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर नितिन, महेश झा, पल्लवी कदम, कुमारी निशा, मिस क्वीन एंड कैस्पर. यस, वी हैव अ न्यू नेम हियर, कैस्पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय अदिति, सोनिया, हर्षल, प्रशांत, अनीता, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू इन द मिंटी डॉट कॉम. Which of the following is responsible for excretion in leech? Yes. So I'm giving you a hint here. Leech is annelida. लेकिन इससे confused मत हुए होना. Leech के अंदर एक special structure present है जो कि excretion में help करेगा. Let's see किस किस को पता है कि वो special structures कौन से हैं. And the time is up. The answer is both. ए एंड सी, दैट इज निफ्रीडिया तो है ही है, बींग एन एनालिडा उसके अंदर निफ्रीडिया होंगे, बट इट ऑल्सो हैज बोट्रॉइडल टिश्यू. ये सिर्फ और सिर्फ लीच के अंदर पाया गया है, नॉट इन एनी अदर एनालिडा. लेट्स सी व्हाट डज द लेटर बोर्ड से. गुड इवनिंग प्रवीण, जल्दी से ज्वाइन कर लो मिंटी डॉट कॉम इफ यू आर लेट. स्वाति एंड प्रसंती लीडिंग नाउ. ओके, ओमकार, एम्स, सिम्बा, मिस क्वीन, आदर्श, डॉक्टर नितिन, सोफिया एंड डॉक्टर लक्ष्मी एंड महक. गुड, आई एम हैविंग गुड नेम, सॉरी न्यू नेम्स हियर. चलिए और देखते हैं, जल्दी से ज्वाइन करते जाइए. ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा हायर लेवल है, ठीक है? यस. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू साइंटिफिक एंड कॉमन नेम्स ऑफ एनालिड्स. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. हाँ जी, देखते हैं किसको पता है साइंटिफिक और कॉमन नेम्स दोनों. तो फाइसेलिया इज नोन एज ब्रेन कोरल, एडेंसिया इज अ सी एनिमोन, गॉर्गोनिया इज अ सी पेन एंड पेनाटुला इज अ सी फैन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? ऑल राइट, एंड द आंसर इज बी, एडेम्सिया इज नोन एज द सी एनिमोन. चलिए नेक्स्ट करते हैं. सो वी हैव लेटर बोर्ड हियर. प्रसंथी आई होप इज लीडिंग अगेन. यस, गॉर्गोनिया इज सी फैन. यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट. वी हैव लॉट मोर क्वेश्चंस टुडे दैन येस्टरडे. हम रोज उसी टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की आदत डालेंगे अब, ताकि हमारी स्पीड पे भी काम हो. ऑल राइट, प्रसंथी वंस अगेन, ओमकार, एम्स, सिम्बा, आदर्श, सोफिया, डॉक्टर नितिन, महेश झा, डॉक्टर लक्ष्मी, पल्लवी कदम, 24. यस, नेक्स्ट ईयर आंसर वी विल बी सीइंग द लेटर बोर्ड आफ्टर एवरी क्वेश्चन, बिकॉज हर क्वेश्चन के बाद खेल बदलता है. सो हर बाजी जीतनी जरूरी है, सो इसलिए डोंट माइंड इट एंड ट्राई टू बी इन द लेटर बोर्ड हियर. ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फेशियोला एक्सेप्ट वन. चूज द एक्सेप्शन. यस, सो ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फेशियोला. लिवर फ्लू की बात हो रही है, सिर्फ एक उसके लिए सही नहीं है. द टाइम इज ऑलमोस्ट अप, 3, 2 एंड 1. लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? ओनली 34. सो फर्टिलाइजेशन इज नॉट एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, विच इज करेक्ट. सो बाकी सब ठीक दिया हुआ है. बिलो आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट, दिस इज रॉन्ग, बाकी सारी ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगी. बाकी सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, बट द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल हियर. नेक्स्ट लेटर बोर्ड देखते हैं.
प्रसन्न थी, ओमकार, एम्स, डॉक्टर शिवानी, ऑल राइट, ओमकार वंस अगेन ऑन द टॉप, प्रसन्न थी आ गए रैंक नंबर 3 पे, एम्स डॉक्टर शिवानी नंबर 2, आदर्श, सिम्बा, यो यो हनी सिंह ओके, एंड राजपूत, कुमारी निशा, मिस क्वीन एंड आंचल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. Digestion is both extracellular and intracellular in all except. Now this is pure NCRT. चलिए देखते हैं ये कितने students को आता है. Pure, pure, pure NCRT. So is it meandrina, tenoplana? Is it planaria or pleurobranchia? तो ये तभी आंसर कर सकते हो अगर आपको पता है कि ये नाम कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स. 3, 2 एंड 1 एंड द आंसर इज मियांड्रिना. राइट, सॉरी, मियांड्रिना, टीनोप्लाना एंड प्लेनेरिया. प्लेनेरिया बोथ एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर डाइजेशन इन ऑल एक्सेप्ट. सॉरी मैंने गलत बोल दिया था. हाँ जी, सो दोनों इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलर होती है आपके सीलेंट रेटा में. तो मियांड्रिना, प्लूरोब्रेंकिया एंड टीनोप्लेना. ये देखो मियांड्रिना इज क्लियरली अ कोरल सीलेंट रेट. टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेंकिया ये दोनों टीनोफोर्स हैं. इनिशियली टीनोफोर्स जो थे ये भी सीलेंट रेट्स के ही मेंबर्स थे. एक दो प्रॉपर्टीज की वजह से, कॉम्प्लेंट्स की प्लेट्स की वजह से उनको हमने अलग फाइलम बना दिया, बट दे हैव मेनी सिमिलैरिटीज टू सीलेंट्रेट्स. लाइक दे ऑल्सो शो बोथ एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर डाइजेशन. बट प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज अ प्लेटी हेलमेंट एंड इट विल नॉट शो दिस डाइजेशन. चले लेट्स सी द लेटर बोर्ड हियर एंड आंसर इज हु इज लीडिंग द शो. द आंसर, आंसर, आंसर. ओके, ओमकार वंस अगेन इज लीडिंग द शो. वेरी गुड ओमकार. एम्स डॉक्टर शिवानी, आदर्श, सिम्बा, प्रसन्ति, यो यो हनी सिंह, कुमारी निशा, सोफिया, पल्लवी एंड दीपू. पल्लवी आप नीचे क्यों रैंक पे खिसक गए हो, जल्दी से ऊपर आ जाओ वापस अपनी जगह पे. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. मेंबर्स ऑफ फाइलम एनालिडा शो फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट. तो कौन सा फीचर है जो एनालिडा का नहीं है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंटेरोसीलोम या बायलेटरल साइमेट्री. सो कौन सा फीचर है जो एनालिडा में नहीं देखा गया? एंड द आंसर इज, वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, थिंक थिंक थिंक, जल्दी से बता दीजिए. प्लीज डू नॉट आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. भवानी, प्रशांत, यार आता भी है और देखो आपका नाम भी लेटर बोर्ड पे नहीं आ सकता. सो आंसर इज एंटेरोसिलोम. एनालिडा के अंदर होता है शाइजोसिलोम, नॉट द एंटेरोसिलोम. रेस्ट ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी मच द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनालिडा. लेट्स सी हाउ डज द लेटर बोर्ड चेंज. हु इज लीडिंग? ओमकार वंस अगेन, एम्स डॉक्टर शिवानी, सिम्बा, प्रसन्ति, कुमारी, आदर्श, सोफिया, पल्लवी. पल्लवी थोड़ा सा ऊपर आयो और ऊपर आ जाओ. यो यो हनी सिंह नीचे चला गया है. मिस क्वीन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हेल्प इन लोकोमोशन इन केस ऑफ नीरस? हाँ जी, नीरस बिलोंग्स टू द फाइलम एनालिडा. चलो हिंट दे दिया है, पिक्चर भी बनी हुई है एनसीईआरटी में. तो अगर आपको पिक्चर भी याद है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर लोकोमोशन कौन से स्ट्रक्चर से होती है. इज इट पेरापोडिया और सीटे और लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स और इट इज और द मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स सी. नीरस, नीरस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा? And the answer is more than one option is correct. It's parapodia as well as longitudinal and circular muscles. So longitudinal and circular muscles annelida में रहेंगी ही, उसके अलावा parapodia भी होगा इसके अंदर, nerus के अंदर. Setae are found in earthworm. ठीक है, वो S shape के जो structures होते हैं they are only found in earthworm. चलिए, so अभी भी कोई अगर late join कर रहा है तो जल्दी से minty.com में आइए एंड द कोड इज 25 37 11
25, 37 एंड 11। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस डॉक्टर निकिता, यू आर वेरी राइट, अर्थवर्म में होगा सीटें एंड पेरापोडिया वुड डेफिनेटली हेल्प इन स्विमिंग। हर्षल इज राइट। हाँ जी, लेटर बोर्ड सेज दैट ओमकार इज ऑन द टॉप, एम्स डॉक्टर शिवानी, सिम्बा प्रसंथी, कुमारी निशा, आदर्श, सोफिया, डॉक्टर नितिन एंड पल्लवी, नंबर 24। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन मेडिकल वाले भी इधर हैं, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इफ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस आल्सो राइट। लेट्स सी हाउ मच यू नो बायोलॉजी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड इज डायशियस? डायशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, यानी मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट। सो अर्थवर्म, लीच, नीरस एंड एनकाइलोस्टोमा। सो किस ऑर्गेनिज्म में मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेट हैं? एंड द आंसर इज नीरस। ठीक है, नीरस इकलौता एनालिड मीन्स उसमें एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट। ठीक है, और अर्थवर्म, लीच और एनकाइलोस्टोमा दे आर ऑल मोनेशियस। मोनेशियस मीन्स बाइसेक्सुअल, और हर्मेफ्रोडाइट जिसमें कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं लेडर बोर्ड पे। लेट्स सी, विनय प्लीज डोंट आंसर इन द, विनय एंड विद्यामोहन प्लीज डू नॉट आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। लेट्स ज्वाइन minty.com सो दैट योर नेम कैन ऑल्सो अपियर ऑन द लेडर बोर्ड। हाय प्रदीप, जल्दी से ज्वाइन कर लो minty.com। एंड ओमकार वंस अगेन, एम्स, सिम्बा, प्रसंथी, कुमारी, सोफिया, आदर्श, पल्लवी एंड आयुष। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम द ब्लड इज सर्क्यूलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो किसके अंदर प्रेजेंट हैं ये तीनों ब्लड वेसल्स? एंड लेट्स सी हु गिव्स द आंसर राइट। हाँ जी, एंड द टाइम इज ऑलमोस्ट अप। Time is 3, 2, and 1. Let's see who's answered it right. And the answer is annelida. Yes, annelida has closed circulatory system. So, uske andar arteries, veins, and capillaries sub present hongi. Indu Minty ke chart. Aap jinko nahi pata lag raha ki kahan answer dena hai, please go to another window of Google Chrome. वहां पे आप लिखिए minty.com, क्लिक कीजिए, वहां पे आएगा कोड, कोड में डालिए 25, 37 and 11। सो जल्दी से ज्वाइन करके आ जाइए कॉम्पिटिशन में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। The members of which of the following phylum possess tissue level of organization and radial symmetry? Pure NCRT. Let's see who answers it right. अब ये तो सबका ठीक होना चाहिए। Good evening, Devil Ghost. वैसे भी time ghost का हो रहा है। Ghost, why are you not in menti.com? I want to see your name on the board. हाँ जी, किसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल की है और रेडियल सिमेट्री है? एंड वेरी सिंपल, द आंसर इज नाइडेरिया। 79 स्टूडेंट्स हैव गॉटन इट राइट, परफेक्ट। एंड लेट्स सी व्हाट डज द लेटर बोर्ड से अबाउट यू। यस, वेरी इजी पीजी, तभी तो आज लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू दैट। Open it in Google Chrome, write down minty.com and you will find a place to write the code. Write down the code 25, 37, 11 and join. Alright, Omkar, Prasanthi, Simba, Ames, Kumari, Sophia, Adarsh, Pooja and Neat aspirant is back. Alright, Omkar, you're doing very good. Keep it up and let's see who can break his record. Aaj Panchika भी नहीं है, सो आज
हमारा एक नया होने वाला है विनर. इन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम. ओके नाउ दिस इज वेरी बेसिक. नोटोकॉर्ड कैसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, किस जर्म लेयर से डिराइव होगी नोटोकॉर्ड? हाँ जी, सो किस जर्म लेयर से डिराइव होगी नोटोकॉर्ड? 3, 2 and 1 एंड द आंसर इज मेसोडर्म. यस, 67 न्यू इट. बाकी जिनका गलत हुआ प्लीज गो बैक टू द टेक्स्ट एंड रिवाइज. नोटोकॉर्ड इज ऑलवेज 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 मेसोडर्मल इन ओरिजिन. याद है हेमीकॉर्डेट्स में यही तो डाउट हुआ था. हेमीकॉर्डेट्स की जो नोटोकॉर्ड थी, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, पहले लगता था कि वो शायद नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि उसका क्योंकि एंडोडर्मल ओरिजिन है तो इसलिए हम उसको नोटोकॉर्ड नहीं मान सकते. इसलिए हमने उसको कॉर्डेट से उठा के वापस फेंक दिया नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, क्योंकि नोटोकॉर्ड लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका ओरिजिन हमेशा मेसोडर्मल होना चाहिए. चलिए, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट. सो हु इज लीडिंग द शो? ओमकार वंस अगेन, सिम्बा, एम्स, कुमारी, आदर्श, प्रसंथी, आयुष, पूजा, सोफिया. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड. जल्दी से करते हैं. स्पॉन्जेस आर जनरली मरीन एक्सेप्ट. हाँ जी, कौन सा स्पॉन्ज है जो मरीन नहीं है? हिंट दे रही हूं, उस स्पॉन्ज को हम लेक्स या पॉन्ड्स में देख सकते हैं. सो इज इट साइकॉन और यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला और ल्यूकोसिलीनिया? एंड आंसर इज यस. Answer is spongula. This is known as the fresh water sponge. Euspongia is the bath sponge. And then leucoselenia and cycon. Ye sare hain aapke marine. The fresh water is spongula. Let's see how does the leaderboard change. Jishnu, I have already started my classes in GoPrep app. Are you the subscriber of the course? I have already started the classes from today on. हाँ जी, ओमकार once again, सिम्बा, एम्स, कुमारी, निशा, प्रसंति, आदर्श, आयुष, सोफिया, पूजा एंड कास्पर अगेन. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड. एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मिसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. Is it Coelenterata, Escalminthes, Annelida or Mollusca? We have very less time left. Jaldi se kar dijiye. And the answer is, so undifferentiated layer, Mesoglia, ye hoti hai Coelenterata mein, between the ectoderm and endoderm. क्योंकि ये दोनों ही डिप्लोप्लास्टिक हैं, तो इन दोनों को सेपरेट करने वाली है मेसोग्लिया. चलिए नेक्स्ट चलते हैं लेटर बोर्ड पे. सो आई वांट अ डिफरेंट नेम हियर. यस, अनामिका नेगी इज राइट. प्लीज डोंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स हियर. यस, ओमकार अगेन, एम्स, डॉक्टर शिवानी, क्या यही खेल रहे हैं बस? बाकी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे? आपको आंसर्स आते हुए. विनय मिश्रा, व्हाई आर यू नॉट जॉइनिंग मिंटी? I want your name on the board, letter board. Hanji, Harshal is right that mesoglia is absolutely non-cellular. Hanji, members of which phylum are not deuterostomes? Hanji, मैंने आपको अभी deuterostomes का बताया. Deuterostomes वो organisms हैं जिनमें कि blastopore is going to form anus and not mouth, जिनमें पहले anus बनता है. तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ड्यूटेरोस्टोम्स नहीं हैं? इज इट कॉर्डेट्स, एकाइनोडर्म्स, आर्थ्रोपोड्स और नन ऑफ दीज, या यानी कि ऑल ऑफ दीज आर ड्यूटेरोस्टोम्स? लेट्स सी व्हाट डू यू से. एंड द आंसर इज
आंसर इज आर्थ्रोपोड्स आर नॉट ड्यूटेरोस्टोम्स. देखिए नीचे से याद रखेंगे, कॉर्डेट्स, उसके ऊपर हेमिकॉर्डेट्स एंड उसके ऊपर अकाइनोकॉर्डेट्स अकाइनोडर्म्स, ये सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं. ठीक है, आर्थ्रोपोड्स आर नॉट. लेट्स सी हाउ डज द लेडरबोर्ड चेंज. एंड द लेडरबोर्ड सेज व्हाट? लेडरबोर्ड सेज दैट ओमकार इज स्टिल लीडिंग द शो. गुड. कुमारी, निशा, एम्स, डॉक्टर शिवानी, सिम्बा, सोफिया, प्रसंति, पूजा, सोन एंड नीट एस्पायरेंट इज बैक. नेक्स्ट चलते हैं. द सब किंगडम ऑफ एनिमल्स दैट लैक सिमेट्री एंड हैव नो ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन्स इज, जिनमें टिश्यूज नहीं प्रेजेंट हैं. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. टिश्यूज, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो है कौन से, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन सा फाइलम है जिसमें टिश्यू लेवल सिमेट्री नहीं है, सॉरी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और सिमेट्री भी नहीं है. गुड मिश्रा, अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आई वॉन्ट टू सी योर नेम ऑन द टॉप. हाँ जी, पेराजोआ, दे लैक सिमेट्री एंड दे हैव नो ट्रू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो, नो ट्रू टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो रेडिएटा में भी रहेगी, लेकिन उनमें सिमेट्री होती है. दे आर सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री होती है. यहां पे पूछा गया जिसमें सिमेट्री भी नहीं है, एंड द आंसर इज पेराजोआ, दैट इज यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स. चले देखते हैं लेडर बोर्ड. एंड कैन एनी वन रिप्लेस ओमकार हियर? ओमकार अगेन, कुमारी, सिम्बा, एम, सोफिया, प्रसंति, पूजा, सोना एंड आदर्श. चलिए, यस, पोरिफेरा इज एसिमेट्रिक, यू राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कोड नहीं दिख रहा, कोड इज 25, 37 एंड 11. डॉक्टर सानिया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. 25, 37 एंड 11. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन वॉज फर्स्ट अपेरेंट इन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन पे अभी भी क्वेश्चन आया था, तो जिसने वो पिछला क्वेश्चन सही किया या सुना है ध्यान से कैन गेट इट राइट. सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन, सबसे पहले किसमें आई है? हाँ जी, सो आंसर, टाइम इज 3, 2 एंड 1. इन द आंसर इज एनालिडा. एनालिड्स में होगी फर्स्ट टाइम मेटामेरिक सेगमेंटेशन, उसके बाद इट विल कंटिन्यू. हमारे अंदर भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, यानी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन विल कोइंसाइड विद द इंटरनल सेगमेंटेशन. एंड लेट्स सी द विनर हियर. सो द टॉपर ऑफ द लीडरबोर्ड सो फार इज ओमकार अगेन, एंड निशा, शिवानी, सोफिया, प्रसंति, सिम्बा, पूजा, सोना एंड आदर्श. चलिए नेक्स्ट आते हैं. So we have around 35 questions. Let's see how many are left. Which of the following group of animals have closed circulatory system? Cockroach, locust, mollusk. Non-cephalopods, mollusk and cockroach. Cephalopod, mollusk and earthworm. And hemichordates and non-cephalopod mollusks. So kiske andar hoga closed circulatory system? Humne question abhi kiya tha, जिसमें ऑक्टोपस में हमने पढ़ा था कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एंड ऑक्टोपस इज अ सेफलोपॉड. सो सेफलोपॉड्स एंड मॉलस्क, जो सेफलोपॉड को बिलोंग करने वाले मॉलस्क हैं एंड अर्थवर्म, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड नेक्स्ट, लेडरबोर्ड में कौन लीड कर रहा है, जल्दी से देखते हैं. आई थिंक इट विल चेंज. नो, ओमकार स्टिल द लीडर. And next question. The only triploblastic phylum of the kingdom Metazoa, which is a coelomate. Okay, Metazoa hota hai multicellular organisms. Kaun se multicellular organisms hain jo a coelomates hain, jinme coelom nahi hai and triploblastic bhi hain. A coelomates to bahut hain, lekin triploblastic jisme coelom is absent, and the answer is, let's see who gets it right.
And the answer is Platyhelminths. The first triploblast, but it is acoelomate, is Platyhelminths. Next, leaderboard में क्या changes रहे? देखते हैं कौन lead कर रहा है. ओमकार अगेन, कुमारी निशा, सोफिया, एम्स, सिम्बा, पूजा, प्रसंती, नीट एंड आदर्श. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी सिमेट्री एंड सीलोम आर सिमिलर इन. हाँ जी, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी सिमेट्री एंड सीलोम आर सिमिलर इन Platyhelminthes and Eskelminthes. Eskelminthes in this Ctenophora and Platyhelm and Annelida and Arthropoda. And answer is Annelida and Arthropoda. Dono ke andar bilateral symmetry hogi. Tissue organ system level of organization hoga or true coelom hoga. And the leaderboard says who is the winner. Kumari Nisha. ओके, ओमकार, सोफिया, एम्स, सिम्बा, प्रसंती, नीट, एस्पायरेंट बैक, पूजा, आदर्श एंड मिस क्वीन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षल मेहता, यस, इट्स गोइंग वेरी फास्ट. मिंटी, इट्स नॉट वेरी गोइंग वेरी फास्ट, वी हैव अ स्पेसिफिक टाइम, कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें. प्लीज इंक्रीज योर स्पीड, वी नीड टू वर्क ऑन आर टाइम, वी नीड टू वर्क ऑन द स्पीड. Time is very important here. Which of the following is a schizocoelomate with closed type of circulatory system? Yes, let's see who gets it. Schizocoelomate. Pata hona chahiye tumhe schizocoelomate kya hota hai, enterocoelom kya hota hai. To ye sab hum discussion karenge achhi tarah se in our classes. But tumne padha bhi hoga and the time is up. So cephalopods are the schizocoelomates with closed circulatory system. Yes, and the leaderboard says what? So Mr. Leaderboard says that Kumari Nisha is leading here. Next question. In bombyx, yes, silkworm, ferritima, that is earthworm, aplysia, that is sea rabbit, are placed together with which single word can we represent them? Is it metameric segmentation, enterocoelomic, protostomes ya perazoa? So how do they all come under one category? Ek word in teenon ke liye kaun sa hoga? Rupali, what are you not understanding? Please mention. So, इन सब के लिए एक जो कॉमन वर्ड है वो है प्रोटोस्टोम्स. प्रोटोस्टोम्स जिनमें की ब्लास्टोपोर विल चेंज इन टू माउथ. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड द लेडरबोर्ड सेज कुमारी निशा कौन लीड करेगा अभी. लेट्स सी. यस, कुमारी निशा इज द टुडेज विनर. सो कंग्रेचुलेशंस एंड very well done, very 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 well done. Yes, Harshal is right. Protostomes mein mouth comes first and we'll have another Mintikist quiz tomorrow. Mujhe kal bahut sare students ne bola tha ki health and diseases mein se hum ek quiz rakhe. So tomorrow we'll have a Minty quiz on health and diseases. So all those from 12th standard and dropper batch can join quickly tomorrow at the same time. सेम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड आई विल सी यू टुमारो. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन सो दैट वी गेट बेटर कॉम्पिटिशन एंड वी गेट टू नो द प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस वेयर वी आर राइट नाउ. बिना कॉम्पिटिशन के हमें नहीं पता लगेगा कि हमें और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है. सो कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच. एंड कुमारी निशा, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस.